ये बताइए दीदी, युक्ति इस प्रकार की है, मैं सन्यासी भैंस भूसा धारण करके भगवान के भक्ति में लीन रहता हूँ और तुम्हारे शरीर में जो राजशाही पोशाक चमक रहा है उसे ताज सिंहासन पर बैठने वाले राज मुकुटा सर में पहने हुए हो, अभी इसी वक्त चोला को तुम्हें बदल करना होगा और इस राजशाही पोशाक को मेरे कुटिया में खोल करके रख दो और मैं तुम्हें आभूषण वस्त्र साधु फकीर वाला दान करूंगा और एक भिखारी का भेषभूषा बना करके तुम्हें नगर बस्ती में पहला भिक्षा नहीं सबसे पहला भिक्षा तुम्हें अपनी माँ के हाथों से लेना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? और दूसरा भिक्षा अपनी धर्म पत्नी के हाथों से तुम्हें लेना होगा। नहीं बाबा। और इतना ही नहीं, अगर पत्नी तुम्हें स्वीकार कर लिया कि पति है, अगर पति पत्नी के संवाद में तुम भिक्षा लिया तो भिक्षा नष्ट हो जाएगा, तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इसलिए कि बाबा बैरागी जोगी फकीर के नाम से बस तीन मुट्ठी भिक्षा अपने पत्नी के हाथों से लेना होगा। उसके बाद अंतिम भिक्षा नगर में तुम्हारी बहन बिरमा रहती है, उस एकलौती बहन बिरमा के हाथों से भिक्षा लेने के बाद ही तुम्हें नगर बस्ती से भिक्षा ले आना होगा। 80 मन गुदरी 84 मन तीन और जो के साथ मेरे कदमों में 12 वर्ष तक तुम्हें घूमना होगा, उसके बाद सारी सामग्री के साथ तुम्हें लौटना होगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और इतना ही नहीं, अपने संस्कृति भाषा को तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, हिंदी भाषा को तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। आज तुम्हें इसी वक्त चोला बदलने के साथ साथ तुम्हें भोजपुरी भाषा अपनाना होगा। तुम्हें कबूल है तभी इसी वक्त इस राजशाही पोशाक को मेरे कुटिया में खोल करके रख दो। और इतना ही नहीं, इस तंबूरे के तान से, इसके राग और धुन से तुम्हें भिक्षा मांगना होगा, मेरे नाम से तुम्हें अलख जगाना होगा, इसी वक्त तुम्हें मेरा नाम उच्चारण करना होगा। हर काल और कष्ट में मैं तुम्हारा सामने आऊंगा, तुम्हें हमेशा मुक्ति दूंगा। अगर मैं श्राप से मुक्ति पाने के लिए मुझे माँ और पत्नी और बहन के हाथों से मुझे भिक्षा मांगना पड़ेगा तो मैं जरूर मांगूंगा गुरु। और इतना ही नहीं, सबसे पहले तुम ध्यान से ये सुनो कि किसी से कोई परिचित नहीं, हमेशा अपरिचित होकर के तुम्हें भिक्षा लेकर मेरे कदमों में आना है।
मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहां जंगल से वापस नहीं आया है। मेरा पुत्र मेरा बेटा कब जंगल से मेरे पास आएगा? हे भगवान, एक बता आई है